हेलो दोस्तों, मेरे पास है वीवो Y55S जो कि बंद है, कॉलकॉम मोड पे अटका हुआ है। मोबाइल बंद है, कंप्यूटर में केबल लगाते हैं तो कॉलकॉम मोड बनता है। तो इसको हम फ्लैश करेंगे और मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे आई। तो फ्लैश करने के लिए मेरा UMT ऑलरेडी लॉगिन है QC फायर, और फ्लैश फाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, इसी फाइल से आपको फ्लैश करना है। और ये मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है इसमें, और मोबाइल में है जो कॉलकॉम पोर्ट तो ऑटोमेटिक बन ही रहा है, तो हमें सिर्फ उसको चेक करना है, कोई ईडियल पॉइंट शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिवाइस मैनेजर में एक बार दिखा देता हूँ कि कॉलकॉम पोर्ट आता है कि नहीं आता है। जैसे मैंने मोबाइल को लगा के रखा है और मैंने कोई भी ईडियल पॉइंट शॉर्ट नहीं किए हैं, तो ये देखिए, ये दिख रहा है पोर्ट, कॉलकॉम पोर्ट। तो हमें सिर्फ फ्लैश पे क्लिक कर देना है तो हमारी फ्लैशिंग डन होगी और हमारा मोबाइल जो है ये चालू हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम आई कैसे थी। मैंने UMT से इसका FRP लॉक था तो ये बाईपास कर रहा था, तो उसी FRP लॉक था, और सॉरी FRP लॉक और पासवर्ड दोनों थे इस पर। तो मैंने पासवर्ड अनलॉक किया और पासवर्ड अनलॉक करने पर डन हो गया, लेकिन मोबाइल जो है कॉलकॉम मोड पे अटक गया। उसके बाद मैंने ये कॉलकॉम फिक्स वाला जो ऑप्शन रहता है वो किया, तो हर बार वो एरर दे रहा था कि पार्टीशन मिसमैच आता था और वो प्रोसेस रुक जाती थी। तो इसी तरीके से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, और मैंने फिर इसकी फ्लैश फाइल इस फाइल से फ्लैश किया तो तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये प्रॉब्लम जो है Y55 में भी आ सकती है, Y55S में भी आ सकती है, क्योंकि दोनों मॉडल सेम ही हैं। और अगर इस टाइप से कॉलकॉम CPU में आपके किसी भी मॉडल में ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसी तरीके से फ्लैश करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई इसमें कि इसका सेम IMEI नंबर दिखाने लगा। अब उससे कोई इशू नहीं, कम से कम मोबाइल चालू तो हो गया। तो अगर आपके पास कोई हैंडसेट आता है जो ऑटोमेटिक कॉलकॉम पोर्ट बनाता है वीवो का, Y55S या अन्य कोई मॉडल, तो आप इस तरीके से उसको फिक्स कर सकते हैं। और मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आप जानकारी चाहते हैं, या आपको कोई बात समझनी है या पूछनी है, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप उस पर व्हाट्सअप चैट भी कर सकते हैं। और फ्लैश फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको आप UMT से QFIL से दोनों से फ्लैश कर सकते हैं। अगर QFIL में एरर आता है तो फिर UMT से कर लीजिए। मैंने QFIL में ट्राई किया था तो फाइल वो लोड नहीं ले रहा था, एरर दे रहा था, तो मैंने फिर UMT से इसको फ्लैश किया, हालांकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो बस इस वीडियो में यही था, और दोबारा बताना चाहूँगा अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको वीडियो में कोई गलती मिलती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगा। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ कि आप कमेंट करें। तो ये देखिए, मोबाइल मेरा जो है वो चालू हो चुका है। मैंने वीडियो कट कर दी है, नहीं तो वो 10 से 15 मिनट की हो जाती, जो फ्लैशिंग की जितना भी टाइम था वो मैंने कट कर दिया, और जो जब मैंने बैक पैनल ओपन किया वो भी कट कर दिया, क्योंकि मैंने चेक किया था प्रॉपर कि इसमें बैक पैनल में कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपके पास में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए और आपका सॉल्यूशन हो जाए तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।